हाय एवरीवन, आज हम शेयर कर रहे हैं सिंधी बिरयानी की रेसिपी, जो खाने में बेहद टेस्टी और मेरी ख़ुद की फेवरेट है। ये बिरयानी और बिरयानी से डिफरेंट होती है बिकॉज़ ये स्पाइसी होती है। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ के जी चिकन लिया है जिसको मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो विदाउट मैरिनेशन भी पका सकते हैं। इसमें 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालना है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। और यहाँ पे हम होममेड सिंधी बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो हम उसको दे देंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते। और 1 कप दही डालेंगे, ये पूरा डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाफ एन आवर के लिए ढककर रख देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हम यहाँ पर सेला चावल का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी के चावल यूज़ कर सकते हैं जो कि बिरयानी के लिए होते हैं। इसको 1 आवर या फिर हाफ एन आवर के लिए भिगो के रख देंगे। चलिए मीनवाइल हम चिकन की तैयारी कर रहे हैं। एक हैवी वेसल में 1 कप ऑयल डाल देंगे। सो सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए थे। इसमें हमने 2 बड़ी प्याज डाल दी है और इसे फ्राई कर रहे हैं। प्याज फ्राई करते टाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा मनमौजी होती है और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही फ्राई होती है। देखिए अब इस स्टेज पे आपको क्या करना है कि इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देना है। इसमें हमने मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है। जितना बाकी का बचा हुआ मसाला था मैरिनेशन वाला, वो भी इसी में डाल रहे हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे स्टर करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम करके, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, इसे बनाएं। देखिए चिकन ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब इसमें 3 चम्मच पिसी हुई प्याज डालेंगे, 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से पकाएंगे जिससे अदरक लहसुन प्याज की महक चली जाए। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डाल देना है, जिसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालना है और 1 चम्मच नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे लो टू मीडियम हीट पे पकाइए। चिकन अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। बिरयानी के चावल को बॉईल करने के लिए हम पानी में 6 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब इसमें हम खड़े साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काले मिर्च, 2 लौंग, 3 इलायची, जायफल और दालचीनी का टुकड़ा, और इसको डाल के मिला देंगे। अब हम यहाँ पे पानी चेक कर रहे हैं। देखिए पानी बॉयल हो चुका है और अब इस स्टेज पे भीगे हुए चावल पतीले में डाल देंगे और इसको ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अब चावल चेक करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। इसको चम्मच में लेके चेक करिए। आप हाथ से कट करके देख सकते हैं या फिर चाकू की हेल्प से कट करके देख सकते हैं। ये देखिए चावल 70% तक की कुक हो गए हैं। अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बिरयानी की लेयरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे, फिर चावल की फर्स्ट लेयर लगाएंगे और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। चावल की लेयर बिछाने के बाद जो हमने चिकन बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसमें चावल की लेयर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अगेन इसमें चिकन डालेंगे, लास्ट में चावल डालकर फैला देंगे। हम यहाँ पे फूड कलर केवड़ा वाटर के साथ मिला के डाल रहे हैं, फिर स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, नींबू, पुदीना और तली हुई प्याज। और अब हम इसको फॉइल से ढक रहे हैं, हर तरफ से अच्छी तरह से दबा देंगे जिससे भाप बाहर ना सके, और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए दम होने देंगे।
10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम फॉइल को हटाएंगे और अपनी बिरयानी को चेक करेंगे। ये देखिए बिरयानी रेडी हो गई है और इसके चावल बहुत खिले हुए पक्के हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कि काश कि हम आपको टेस्ट करा पाते हैं। ये मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। कहते ना कि किसी के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, तो आप भी दिल से पकाइए, आप भी खुश रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी शेयर कीजिए।